हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि हमने पिछली वीडियो में क्या चर्चा की थी। तो पिछली वीडियो में हमारी जो चर्चा थी वो ये थी कि निफ्टी के अंदर हमने बात की थी कि निफ्टी 22,300 तक जा सकता है और एक जो है इंट्राडे शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो बाजार गए 22,326 तक और फिर हमारा व्यू ये था कि बाजार दोपहर के सेशन में प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो सकते हैं, यानी कि बाजार की जो अंडरटोन है वो बेरिश ही है अभी, और ऐसा ही हुआ। और आज हमारे मन मुताबिक जो है लगभग बाजार वैसे ही चले जैसा कल एनालिसिस था। और निफ्टी बैंक में हमारा ये था कि हम उम्मीद कर रहे थे कि 47,800 तक बाजार जाएगा, वहाँ पर भी 29 तक गया, तो उसी के इर्द गिर्द रहा। और यहाँ पर भी हमारा आउटलुक था कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, 47,100-200 के आसपास एक दायरा बनता है काफ़ी स्पोर्ट का। तो हालांकि बाजार उसके नीचे भी गए, तो बट कुल मिलाकर जहाँ पर स्पोर्ट एरिया थे वहीं पर बाजार बंद हुए। अब देखिएगा अंडरलाइन, तो अगर हम देखें तो बाजार थोड़ा से ओवरसोल्ड हो गए हैं। अब ओवरसोल्ड बाजार में एक साइडवेज पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा बनती है। अगर हम निफ्टी के पुराने रिकॉर्ड को देखें और हाल फिलहाल के पिछले 2-3 महीने के अंदर जिस तरीके से निफ्टी रिएक्ट कर रहा है शॉर्ट टर्म में, तो जो कैंडल्स बनी हैं, तो हम कुछ बड़ी कैंडल्स को देखते हैं। तो देखिएगा ये मार्च के अंदर एक जबरदस्त रेड कैंडल थी जिसका लो भी आज के लो के आसपास है। उसके बाद बाजार ने क्या किया कि 3-4 दिन साइडवेज गया, फिर एक नीचे की डिप दी और फिर एक अच्छी राइज हमें देखने के लिए मिला। इससे पहले सिमिलर तरीके का एक पैटर्न यहाँ पर बना था, तो ये भी एक अच्छी रेड कैंडल थी और यहाँ से भी बाजार ने एक बाउंस दिया था अगले 5-6 सेशन के दौरान। इससे पहले रेजिस्टेंस था, यहाँ बाजार आया और यहाँ पर बाजार चैलेंज ले रहा था और यहाँ पर बाजार गिरते हुए भी नज़र आए और फिर बाजार ने अगले राउंड के अंदर जो है ब्रेकआउट दिया। तो कुल मिलाकर जहाँ पर बाजार अभी रुके हैं स्पेशली निफ्टी के अंदर, ये एक अहम स्पोर्ट एरिया के आसपास है। इसके बाद जो दूसरी अहम स्पोर्ट है वो 21,500 के पास है। तो निफ्टी में जो 21,500 है, बैंक निफ्टी में उसी लेवल के आसपास 46,500 बनता है और निफ्टी बैंक में भी सिमिलरली जैसे भी 21,950 के आसपास बाजार बंद हुए हैं, उसी तरीके से 47,000 के आसपास जो बाजार है वहाँ पर मेजर स्पोर्ट है। तो ये जो एरियाज हैं यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी क्या बनती है, देखिएगा मैं अब आपके साथ बात करता हूँ पहले बैंक निफ्टी की। मैं निफ्टी बैंक के अंदर अगर आपसे चर्चा करूँ तो देखिएगा ये भी सिमिलरली उसी तरीके से एक स्पोर्ट एरिया है जहाँ पर पहले बार बार बाजार करेक्शन में स्पोर्ट लिया, बाजार नीचे से जब ऊपर आए यहाँ पर रेजिस्टेंस करके फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई, अगले राउंड में बड़ी कैंडल ग्रीन कैंडल ने इस लेवल को तोड़ा, फिर इस बार बाजार टूटे तो इन लेवल को सपोर्ट नहीं दी थी, फिर नीचे एक बेस बनाकर बाजार में तेजी दी। तो देखिएगा एक जो सपोर्ट एरिया है, एक अच्छी खासी सपोर्ट एरिया है जहाँ पर बाजार बंद हुए हैं 47। लेकिन जो दूसरी मेजर सपोर्ट एरिया है वो है 46,500 के आसपास का एरिया, यहाँ पर बहुत मेजरली काम हुआ है और उसके बाद है मेन और अहम 46,000। तो अभी मैं 46,000 की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ तो इसको तो हटा देते हैं। कल के सेशन में अगर पहली पॉसिबिलिटी पर अगर हम जाएं और हम ये मान के चलें कि सुबह अगर गैप डाउन बाजार 46,500 विद इन आवर एक घंटे या डेढ़ घंटे में 46,500 चले जाते हैं तो बाजार उन लेवल्स को होल्ड करेगा और बाजार दिन में रिकवरी करने के चांसेस दिखाएगा या बाजार साइडवेज ही बंद हो जाए। अब दूसरी पॉसिबिलिटी है कि भाई आज की जो गिरावट थी वो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी की वजह से थी, क्योंकि बैंक निफ्टी में तो रोक लिया था बाजार परसों, लेकिन जो सेलिंग प्रेशर था उसको आज नहीं झेल पाया बाजार। सुबह एक अच्छी तेजी रही लेकिन उस तेजी को गंवा दिया बाजार ने। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर मान लेते हैं बाजार 47,000 के आसपास चले, तो मुझे लग रहा है कि एक ऐसा एरिया है यहाँ पर जो मूव्स हैं वो बड़े छोटे होंगे और बाजार शायद थकावट वाला या चौपी रह सकता है। अगर बाजार ऊपर की तरफ खुलते हैं 47,300 या इवन 500 के आसपास, तो जो आज लोग फंसे थे वो निकलने की चेष्टा करते हुए नजर आएंगे
तो मुझे लग रहा है 47,500 के आसपास फिर दोबारा से सेलिंग आ सकती है, 47,000 के और 47,500 बाजार बंद हो गए। अगर बाजार नीचे ही खुले या नीचे ही चले गए तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एग्रेशन में कोई बहुत ज़्यादा मंदी नहीं करनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ऐसे ट्रेडिंग पैटर्न्स बने हैं कि बाजार शायद एक दिन से लेकर 1.5 दिन बिताएगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी पे जाएंगे तो फिर मंथली एक्सपायरी में अगर वीकनेस आएगी तो फिर उस केसेस के अंदर एक सीवियर सेलिंग हो सकती है। बट अभी कल फ्राइडे के सेशन में मुझे लगता है 46,500 की एक जो अहम स्पोर्ट है, अगर यहाँ बाजार गया इफ एनी तो बाजार अच्छा बाउंस लेगा। बाजारों के अंदर हमारा कल का व्यू ऐसा है कि बाजार चौपी रह सकता है, दोनों साइड के जो मूव्स हैं रेंज में रहने की उम्मीद सबसे ज़्यादा है। ना हमें कोई बहुत क्लियरली सिग्नल मिल रहे हैं तेजी के या मंदी के, लेकिन अगर मंदी होती है क्योंकि अंडरटोन जो है बाजार की बेरिश है, तो जो अगर बाजार 46,500 के आसपास जाएगा तो मुझे लग रहा है कि उसको शायद होल्ड करेगा और बाजार ज़्यादा कमजोरी नहीं दिखाएगा, जो कमजोरी सुबह बनेगी उसको भी शायद रिकवर कर ले शाम तक। तो ये है निफ्टी बैंक के अंदर, और निफ्टी के अंदर भी जो सिमिलरली हमें ऐसा लग रहा है कि निफ्टी बैंक में जहाँ पर बाजार खुले हैं तो अगर ये यहाँ पर तोड़ते हैं तो 21,750 का जो लेवल है, मान लीजिएगा अगर 46,500 निफ्टी बैंक में जाता तो 21,700 21,800 के आसपास निफ्टी आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ से भी हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा हमारे को लग रहा है कि बाजार न्यूट्रल खुल के इस 22,000 के इर्द गिर्द 50-60 100 पॉइंट ऊपर की तरफ और या 100 पॉइंट नीचे की तरफ इसी के आसपास जो है मंडराते हुए नजर आने चाहिए। अगर बाजार किसी भी तरीके से गैप डाउन होता है और 21,700 21,800 के आसपास चला जाता है तो ये उम्मीद करते हैं कि जो मंदी करने वाले जो ट्रेडर्स हैं वो अपनी पोजीशंस को एक बार स्केयर ऑफ करेंगे और वहाँ उस वजह से एक रिकवरी आने के संकेत हमें रहेंगे। आज कमजोरी कहाँ थी? टाइटन में, अदानी इंटरप्राइज में, HDFC में, ICICI में और नेस्ले में, जो है सेरेलेक के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर मिलाती है इंडिया के अंदर स्पेशली नेस्ले, ऐसी मीडिया में रिपोर्ट थी जिसकी वजह से तकरीबन 3% के आसपास की कमजोरी नेस्ले में देखने के लिए मिली। और ये जो है आज का जो मेजर जो रिएक्शन था वो इसी वजह से था नेस्ले में। भारतीय एयरटेल, पावर ग्रिड, इन्फोसिस, बजाज ऑटो जैसे शेयर तेजी में थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिएगा, आज दिन भर जो दिन में जो 1 सवा बजे के आसपास फॉल हुआ उसके बाद जो है कभी तेजी और कभी मंदी वाले आगे पीछे जो है चलते रहे, बट ये दायरा 1,100 1,110 के बीच में ही रहा, कभी तेजी वाले ज़्यादा हो जाते कभी मंदी वाले। बट बाजारों के अंदर जो सुबह 2-3 घंटे अच्छा ट्रेड हुआ था वो सब जो है ऊपर से एक जो हैमर टाइप की जो सेलिंग हुई उसमें सब जो है पूरा एडवांस डिक्लाइन भी बदल गई। भारतीय एयरटेल, पावर ग्रिड जैसे शेयर तेजी में था, वहीं कमजोरी थी अपोलो हॉस्पिटल में 3.71%, टाइटन में 2.96, नेस्ले तकरीबन 3%, ONGC तकरीबन 3%, कोल इंडिया 2.5%, एक्सिस बैंक 2.5% और अदानी इंटरप्राइज 2% और डिवीज लैब 1.73%। उसके बाद अगर हम देखें निफ्टी बैंक 47,000 के ऊपर जो है अपने आप को जो है बरकरार रख पाया, हालांकि 47829 तक के भी जो है इंट्राडे स्विंग देखने के लिए मिले और अचानक जो है तकरीबन 1:30 बजे के आसपास ऐसी सेलिंग देखने के लिए मिली, मतलब बड़ा सरप्राइज हुआ। तकरीबन तकरीबन 500 पॉइंट जो है 10 से 15 मिनट के अंदर ही आ गए और लगातार सेलिंग, और फिर वहाँ से पुल बैक आया और लेकिन फिर 2:45 बजे के आसपास सेलिंग हुई, फिर वो कंटिन्यू ही रही। और इसके बाद अगर हम देखें तो आज सारे दिग्गज बैंक, HDFC हो, ICICI हो, एक्सिस हो, SBI हो, चारों मेजर बैंक आज कमजोरी के साथ काम कर रहे थे और कोटक भी लगभग फ्लैट ही था। और अगर कोटक की बात करें तो फ्लैट था 0.32, तो कोटक में भी कुछ विशेष नहीं था। आज के जो डेटाज हैं FIIs के बहुत ही खतरनाक है मंदी वाले। 4,260 करोड़ की सेलिंग कैश मार्केट में, 7,000 करोड़ की सेलिंग इंडेक्स फ्यूचर्स में और 4,597 करोड़ की जो है स्टॉक फ्यूचर्स में। अब देखिएगा इसमें क्या है, ये मंथली एक्सपायरी से पहली वाली एक्सपायरी थी। अगर कल डेटा सुधर जाते हैं तो ये हम भी एंटिसिपेट करेंगे, बस यही था इस एक्सपायरी के लिए प्ले था। लेकिन अगर ये सेलिंग कल भी कंटिन्यू रहती है तो आप ये मान के चलिएगा कि जो मंथली एक्सपायरी है उसको काफ़ी मंदा प्ले करने की जो है ट्राई FIIs करेंगे। तो उस परिस्थिति में हम कल आपके साथ चर्चा करेंगे
फ्राइडे सेशन के बाद कि किस तरीके की डेट है, बट अभी जो हम आपके साथ व्यू रख रहे हैं वो सिमिलरली वही व्यू है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। और निफ्टी में आज 150 पॉइंट कमजोरी थी तो 0.69 मामूली सी एडवांस डिक्लाइन आज नेगेटिव होगी, लेकिन पुट को रेशियो 0.82 पे है तो कहीं भी कमजोरी के ऐसे संकेत नहीं है। निफ्टी बैंक जो स्लाइडली ओवरसोल्ड दिखा रहा है, डाउ जोन्स में एक रिलीफ आ गया तकरीबन 200 पॉइंट के आसपास की तेजी है, ब्रेंट क्रूड में काफ़ी अच्छा रिलीफ है इंडिया के लिए 86.65, और ऑप्शन चेन के डेटा में भी ये है कि पुट राइटर काफ़ी एग्रेसिव हैं 22,000 के ऊपर, जो ये संकेत दे रहे हैं कि बाजार को नीचे के लेवल्स पर एक अच्छी बाइंग एमर्ज हो सकती है, यानी कि तेजी वाली जो पोजीशंस हैं ऑप्शंस के अंदर अगर पुट ऑप्शंस की बात करें तो काफ़ी अग्रेसिव है। इसीलिए मुझे लग रहा है इस ये डेटा भी जो है टेक्निकल सेटअप को साथ जो है मैच हो रहा है, और वो बयां कर रहा है कि अगर 2100 के आसपास बाजार जाएगा तो ये जो पुट राइटर्स हैं बाजार को रोकने की पूरी चेष्टा करेंगे। एक टेक्निकल बाउंस जो है आ जाना चाहिए अगर गैप डाउन होता है, अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो। अगर 47,000 के अंदर भी अगर हम देखें तो कॉल साइड में जो राइटिंग हुई है वो 31,000 कॉन्ट्रैक्ट की हुई है, जबकि पुट साइड में 25,000 हुई है, लेकिन टोटल ओपन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा बना हुआ है 91,000। तो यहाँ पर भी 47,000 जहाँ पर बाजार बंद हुए एक अच्छी स्पोर्ट जो है बनती हुई नज़र आ रही है, और नीचे एक अच्छी खासी जो है हालांकि अभी नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो अच्छी खासी पुट राइटिंग है, और सिमिलरली जो है कॉल राइटिंग भी 47,500 पे। तो यहाँ पर निफ्टी में थोड़ी सी स्पोर्ट जो है ज़्यादा अच्छी है 2100 के आसपास, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ी सी स्लाइडली पोजीशंस जो है तेजी वालों की इतनी नहीं है वो शायद बाजार को रोक पाए, लेकिन फिर भी 46,500 पे एक टेक्निकल बाउंस बैक जो है आने की संभावना जरूर से जरूर बनेगी अगर गैप डाउन में जाता है तो। आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही, वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।